हेलो फ्रेंड्स दाल पालक तो आपने कई बार बना करके के खाया होगा पर एक बार इस तरह से बना करके के देखिए बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये दाल पालक और यकीन मानिए आप सब हम हमेशा इसी तरह से बना करके के खाना पसंद करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप लिया है की दाल ये छिलके वाली मूंग की दाल है ये लगभग ये दो ग्राम है तो आप जितना भी दाल बनाते हैं अपने घर में उसके हिसाब से लीजिए इसे दो से तीन बार अच्छे से धो लेंगे और पानी डाल करके इसे आधे घंटे के लिए भिगो करके रख देंगे आधा घंटा दाल को भिगोने के बाद मैंने इसे पका लिया है तो मैंने इसमें बस नमक और हल्दी डाला है मीडियम साइज के तीन प्याज लिया है यहाँ पर मैंने थोड़े से लहसुन है एक एक इंच अदरक का टुकड़ा है दो टमाटर है और हरी मेथी की पत्तियाँ हैं तो इस तरह से मैं इसे ग्रेट कर लूँगी आपके पास ग्रेटर है तो आप भी ग्रेट कर लीजिए नहीं तो बारी बारी काट लीजिए अच्छे से तो लहसुन अदरक और प्याज को मैंने एक साथ ग्रेट कर लिया है और टमाटर भी इसी तरह से ग्रेट कर लूँगी यहाँ पर मैंने दो कप पालक लिया है और ये जो बंच में आते हैं ना वो दो बंच है तो इसे अच्छे से मैंने साफ़ करके रख लिया है अब एक कढ़ाई में तीन छोटे चम्मच तेल डालेंगे जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें हम एक चम्मच ज़ीरा डालेंगे तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए उसके बाद ही आप जीरा डालिए दो तेज पत्ती है यहाँ पर दो इलायची है एक दो दालचीनी का टुकड़ा है और ये एक स्टार फूल है तो सारे खड़े मसाले इसी में डाल देंगे हम कटे हुए अदरक लहसुन और प्याज भी डाल देंगे इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे कटी हुई मेथी भी इसमें डाल देंगे अगर आपके पास मेथी की पत्ती नहीं है तो आप यहाँ पर कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं एक छोटा चम्मच हम यहाँ पर हींग डालेंगे हींग डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है और गैस की जो समस्या होती है वो भी नहीं होती एक चम्मच यहाँ पर मैंने बेसन डाला है इससे इसका टेक्सचर और भी अच्छा आता है अगर आप यहाँ पर बेसन नहीं डालना चाहते तो जिस समय हमने दाल पकाया ना उसी समय आधा कप जितना आप चना चना दाल डाल सकते हैं एक चम्मच हल्दी एक चम्मच धनिया और एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है कटे हुए टमाटर इसी में डाल देंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे तो टमाटर हल्के हल्की सी सॉफ़्ट हो गई है अब यहीं पर हम कटे हुए पालक भी डाल देंगे और चम्मच चला करके इसे पक ढक कर के छोड़ देंगे तो लगभग दो मिनट के बाद मिक्स कर लेंगे इसको और फिर से पकने देंगे ढक कर के, स्वाद अनुसार यहाँ पर हम नमक डाल देंगे दाल में मैंने पहले ही नमक और हल्दी डाल दिया था थोड़ा सा तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे थोड़ा सा नमक और डाल देंगे तो इसे बीच बीच में आप चेक करते रहिए और पालक और टमाटर गलते तक हमें इसे पकाना है पालक अच्छे से पक चुकी है अब यहीं पर हम दाल डाल देंगे और इसे उबल, उबाल आने तक पकने देंगे थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसमें तो आपको यहाँ पर जितना गाढ़ा या पतला रखना है उसके हिसाब से रखिए बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे हम दाल में उबाल आ गई है रेडी है हमारी मूंग दाल और पालक बहुत ही टेस्टी बनी है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से अब आती बारी इसको तड़का लगाने की क्योंकि इसके भी नहीं अधूरी सी है तो यहाँ पर एक चम्मच मैंने तेल डाल दिया है उसमें थोड़ा सा जीरा और डाल देंगे आधा चम्मच के जितना तीन चार लहसुन की कली है एक सूखी लाल मिर्च है इसी में काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे एक चम्मच इससे इसका कलर और भी अच्छा आएगा तो आप चाहें तो ये वाला स्टेप हटा भी सकते हैं और जैसे ही इसमें तड़का डालेंगे आप तुरंत ही ढक्कन लगा दीजिए मुझे आपको दिखाना था इसीलिए मैंने यहाँ पर खुला रखा था थोड़ी देर और ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनी है हमारी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय श्री कृष्णा